मैं रितलाल मंडल, आरएल मंडल, टिंकी फिजिक्स क्लास के डायरेक्टर व शिक्षक। ये रहा छात्रों और शिक्षकों की मांग कि कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए हमें पढ़ने और पढ़ाने दिया जाए। छात्रों का कहना है कि हमें शिक्षा चाहिए, जब इलेक्शन हो सकता है तो शिक्षण क्यों नहीं। इसके बावजूद भारी पुलिस बल तैनाती के बावजूद छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। ये देखिए, ये है कोरा चौक का नज़ारा, जहाँ छात्र अपनी मांगों को लेकर कोरा चौक जाम किए हुए हैं। इन्हें शिक्षा का अधिकार चाहिए। एक साल से कोचिंग संस्थान बंद होने के चलते इनकी पढ़ाई चौपट हो गई है। अभी सामने मई में एग्ज़ाम है 12th का और 10th का, और फिर भी प्रशासन आज सुबह से ही सारे कोचिंग संस्थानों को बंद करा रही थी। इसी को लेकर आज सभी छात्र और शिक्षक सड़क पर उतरे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, पुलिस बल की तैनाती उसके बावजूद भी अपनी मांगों पर आ गई। यह है कोर्रा चौक पर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों और शिक्षकों का मांग है कि कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए शिक्षण संस्थान चलाए जाए, कोचिंग नहीं बंद किया जाए। किसी भी सूरत में कोचिंग संस्थान न बंद करें। सरकार के गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग पढ़ना चाहते हैं और शिक्षा का कहना पढ़ाना चाहते हैं छात्र। पुलिस बल तैनात है, उसके बावजूद भी छात्र अपनी मांगों को लेकर कोर्रा चौक जाम किए हुए हैं। मैं रितलाल मंडल, आरएल मंडल, डेंकी फिजिक्स क्लास के डायरेक्टर व शिक्षक, कोर्रा चौक बाबूगांव हजारीबाग। ये देखिए पुलिस बल की तैनाती। Can you do?
अभी हम लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, एक ही जगह पे हम लोग आते हैं जाते हैं, तो कोरोना हो जा रहा है। बंगाल में 1,00,000 आदमी वोट दे रहा है, तब कोरोना नहीं आता। तो हम लोग 50 को क्लास में बैठ के पढ़ते तो कोरोना आ जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? आपका बाल बच्चा बड़ा बड़ा है, लैपटॉप पर पढ़ेगा,